देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने ये तय किया है कि 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उसी के निमित्त हमारे कैथल जिले के अंदर भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इसके लिए हम 9 अगस्त से कैथल जिले में तिरंगा यात्रा पुंडरी विधानसभा से शुरू कर रहे हैं, जिसमें कैथल जिले की चारों विधानसभाओं में अलग अलग दिनों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 9 अगस्त को पुंडरी विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके संयोजक श्री वेदपाल जी एडवोकेट को तय किया गया है, और 10 अगस्त को कलायत विधानसभा के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें विधानसभा के संयोजक के रूप में राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी को नियुक्त किया गया है, और ठीक इसी प्रकार से 13 अगस्त को कैथल विधानसभा के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें विधायक श्री लीला राम जी को तिरंगा यात्रा का संयोजक नियुक्त किया गया है, और 14 अगस्त को गुला विधानसभा के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें गुला से हमारे प्रत्याशी रहे श्री रवि तारावाली जी को तिरंगा यात्रा का संयोजक नियुक्त किया गया है, और यात्रा बहुत ही प्रभावी हो और लोगों के मन में एक जोश पैदा किया जाए और हर देशवासी के मन में हमेशा से ही अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जोश है, तो 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक जो प्रदेश के अंदर यात्रा निकल रही है, तो उसमें कैथल जिला ने 9 अगस्त से तिरंगा यात्रा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी जिला कैथल के सभी कार्यकर्ता और आम जनमानस मिलकर के तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जिसमें हजारों की संख्या होगी, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इसके लिए रूट तैयार हो गए हैं और सभी की ड्यूटियां लगा दी गई हैं, और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही भव्य और सुंदर तिरंगा यात्रा कैथल जिले की चारों विधानसभाओं में निकालेंगे।